वेलकम बैक टू माई चैनल अर्चना अकेडमी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़ क्लास एट के एन सी आर टी के रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इसमें कुछ एक्स्ट्रा एम सी क्यूज़ भी डिस्कस करे जाएंगे और ये सारे ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि हम इसमें कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे जो एम सी क्यू से रिलेटेड हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टीज एट द प्यूबर्टी प्यूबर्टी के टाइम पे कौन सा टेस्टीज का फंक्शन नहीं है तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि नॉट है क्वेश्चन में कि नहीं तो जो फंक्शन प्यूबर्टी में टेस्टिस का नहीं है वो हमारा आंसर होगा तो डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा नहीं होता टेस्टिस से रिलेटेड नहीं है और ना ही सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं ठीक है तो हमारा आंसर है सी तो टेस्टीज की वजह से ये फंक्शंस नहीं होते थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन नंबर टू ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो अमीबा कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है तो अमीबा कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है बाइनरी फिजन अब इसमें ध्यान देना है कि जब बाइनरी फिजन होता है तो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस ठीक है तो साइटोकाइ पहले होता है अमीबा में बाइनरी फिजन में कैरियोकाइनेसिस जैसे बोलते हैं न्यूक्लियस डिवीजन तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ड्यूरिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड इट इज एन ए सेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा ईस्ट एंड स्पाइरोरा तो अमीबा किस मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन शो करता है बाइनरी फिजन ये अभी हमने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में देखा उसके बाद है हमारा ईस्ट कौन सा मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन शो करता है तो ईस्ट शोज बडिंग दैट इज ऑल्सो ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड स्पाइरा स्पाइरोगा शोज फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है तो ये तीनों ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं दे रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली तो इसलिए हमारा आंसर हुआ ए द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कंप्लीट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड एंड इन ह्यूमन इट इज ऑफ मंथ्स क्वेश्चन नंबर द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एग का रिलीज होना ओवरी से दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन कहते हैं इसे तो जो हमारी फर्स्ट डायग्राम जो है थंबनेल पे ये देखिए ओव्यूलेशन क्या है दिस इज ओवरी ओवरी से एग का रिलीज होना इज नोन एज ओव्यूलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल ठीक है फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें जो फ्यूजन होता है वो बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के बाहर होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और फर्टिलाइजेशन किस में होता है फेलोपियन ट्यूब्स में होता है क्वेश्चन नंबर सेवन द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड ह्यूमन बींग्स में जो एम्ब्रियो है उसे मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है एक टिश्यू की हेल्प से और उस स्पेशल टिश्यू को क्या बोलते हैं प्लेसेंटा क्वेश्चन नंबर एट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं फ्रेगमेंटेशन अभी हमने डिस्कस किया था कि स्पायरोगायरा में है है? होता है और इट इज एन एक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन क्या होता है पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्राम एंथर टू स्टिग्मा ठीक है दैट इज नोन एज पॉलीनेशन और जर्मिनेशन तो आपको पता है जर्मिनेशन मतलब प्लांट का जर्मिनेट होना नया प्लांट सीड से बनना क्वेश्चन नंबर नाइन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू पेरेंट में जितने क्रोमोजोम हैं उतने ही क्रोमोजोम एक ऑफ स्प्रिंग में होते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हाफ ऑफ द क्रोमोजोम जैसे इन ह्यूमन हाफ ऑफ द क्रोमोजोम ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम कम्स फ्रॉम मदर एंड ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम कम्स फ्रॉम फादर तो जायगॉट में कितने क्रोमोजोम हो गए डबल हो गए क्रोमोजोम 46 सिक्स हो गए तो इसका आंसर क्या है डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग जयगॉट फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर टेन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बडिंग की हेल्प से किस में होता है तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बडिंग की हेल्प से ईस्ट में होता है और एक और ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग शो करता है दैट इज हाइड्रा ओके उसके बाद इसमें है अमीबा अमीबा शोज़ बाइनरी फिजन लिशमेनियाम लिशमेनिया शोज़ बाइनरी फिजन एंड प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम शोज़ मल्टीपल फिजन ठीक है तो ये हमने बाकी के मोड्स भी देख लिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे मैंने आपको कहा था कि हम टॉपिक को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि ये आपको याद हो क्वेश्चन नंबर इलेवन ओवी पेरस आर द वंस हु प्रोड्यूस जो ओवी पैरस ऑर्गेनिज्म है वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं और जो वी वी पेरस हैं वी वी वो यंग वंस जनरेट करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स क्या है ह्यूमन बींग्स हैं वी वी पेरस बिकॉज दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड ओवी ओवी पैरस क्या है दे प्रोड्यूस और ले एग्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो इसका आंसर है ओवी पैरस का है क्वेश्चन नंबर क्लोनिंग क्लोनिंग इज़ अ मेथड ऑफ़ कौन सा मेथड है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है और इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गैनिज्म बनते हैं और इसमें गैमेट्स यूज नहीं होते क्वेश्चन नंबर थर्टीन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन सेक्स सेल ह्यूमन सेक्स सेल में कितने क्रोमोजोम है ट्वेंटी थ्री पेयर्स नहीं हो सकता क्योंकि ट्वेंटी थ्री पेयर का मतलब है फोटी सिक्स क्रोमोजोम एक पेयर का मतलब हो गया दो क्रोमोजोम फोटी सिक्स पेयर नहीं हो सकता क्योंकि फोटी सिक्स पेयर का मतलब है फोर्टी सिक्स इंटू टू फोर्टी सिक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये तो जयगॉट में होता है तो बच्चा क्या ट्वेंटी थ्री तो जितने भी गैमेट्स हैं या सेक्स सेल्स हैं सब में कितने क्रोमोजोम हैं ह्यूम्स में ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स क्वेश्चन नंबर फोटीन वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म अकर्ड थ्रू वेरिएशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन चेंजेस से इन ऑर्गेनिज्म अच्छा अडेप्ट कर पाते हैं इन्वायरमेंट को तो वेरिएशन किस में शो होता है सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इसीलिए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा एडवांटेजियस है इन कंपेरिजन टू ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द फुल फॉर्म ऑफ एड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसका आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशेंसी सिंड्रोम ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एम्फीबियंस में एंड फिशेस में तो फिश एंड फ्रॉग शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो फिश एंड फ्रॉग क्या करते हैं अपने स्पर्म एंड वाटर रिलीज कर देते हैं स्पर्म एंड एग्स रिलीज कर देते हैं वाटर में और वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में कहाँ होता है ओविडक्ट में अभी पीछे भी हमने क्वेश्चन देखा था उसमें था फेलोपियन ट्यूब एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब का अदर नेम क्या है ओविडक्ट में तो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब ने कहा क्या, क्या होगा फ़र्टिलाइजेशन की साइट है क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओवी पैरस एनिमल इनमें से कौन सा ओवी पैरस एनिमल नहीं है मतलब जो एग्स नहीं देता तो काव इज नॉट एन ओवी पैरस एनिमल इज का पैरस एनिमल क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नेम द प्रोसेस इन विच टेडपोल्स डेवलप इन टू यंग फ्रॉग्स मेटामोफिस मेटामोरफिसिस का मीनिंग है यंग वंस के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस होना ताकि वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए अभी जैसे जो टैडपोल है वो किस में कन्वर्ट होगा फ्रॉग में ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मेटामोफिस और इसमें टैडपोल के कोई भी फीचर आपको देखेंगे फ्रॉग में नहीं दिखेंगे ठीक है तो ये ये जो टैडपोल है आप इसको देख के पता नहीं लग सकते लगा सकते कि ये फ्यूचर फ्रॉग है तो ड्रास्टिक चेंज इन यंग वंस टू प्रोड्यूस एडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फिस एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन फ्रॉग वट इज द करेक्ट अबाउट टेस्ट बेबी ट्यूब से रिलेटेड क्या करेक्ट है तो ट्यूब से रिलेटेड करेक्ट है कि फर्टिलाइजेशन और दिस इज नॉट द आंसर तो बेबी क्या है इसमें एक्चुअली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है और बाकी इंक्यूबेशन बॉडी के अंदर होता है तो फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी एंड जेस्टेशन इज इनसाइड वॉम्ब ऑफ द मदर तो इसका आंसर ऑप्शन सी की फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के बाहर होगा बाकी जेस्टेशन पीरियड कहाँ पर होगा यूट्रस और वोम्ब ऑफ द मदर में होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डॉली द फेमस एनिमल अ डॉली वॉज द फेमस डॉली वॉज फेमस बिकॉज इट वॉज अ क्लोन्ड शीप अभी हमने देखा था कि क्लोनिंग इज अ मेथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द स्पर्म कंसिस्ट ऑफ स्पर्म में कितने पार्ट्स होते हैं थ्री पार्ट्स होते हैं फर्स्ट पार्ट इज हेड देन और सेकेंड पार्ट इज मिडल पीस एंड थर्ड पार्ट इज टेल उसके बाद जो मिडल पीस होता है ठीक है उसके बाद जो मिडल पीस होता है उसमें स्पाइरल अरेंजमेंट होती है ठीक है तो जो मिडल पीस में स्पाइरल अरेंजमेंट है दैट इज ड्यू टू माइटो कॉन्ड्रिया माइटो कॉन्ड्रिया की वजह से माइटो कॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल एंड हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटीरियल डी एन ए प्रेजेंट होता है ठीक है जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए ये कितना एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन मिडल पीस ऑफ स्पर्म इज मिडल पीस ऑफ स्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ट्रिया जैसे अभी डिस्कस किया था फर्टिलाइज एग इज फर्टिलाइज एग एक्चुअली में क्या है फर्टिलाइज्ड एग इज इजॉट जाएगाट की डेफिनेशन है इट इज़ फर्टिलाइज्ड एग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव रेयरिंग ऑफ सिल्क वाम इधर से हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसे फर्स्ट इज इसका आंसर देख लेते हैं पहले रेयरिंग ऑफ सिल्क वाम इज़ नोन एज एपी कल्चर ठीक है तो ये हमारा आंसर है पिसी कल्चर क्या होता है रेयरिंग ऑफ फिशेज जब हम मछली पालन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पीसी कल्चर उसके बाद है इसका आंसर रेयरिंग ऑफ सिल्क वाम इज़ एक्चुअली सैरीकल्चर रेयरिंग ऑफ़ सिल्कुआ में सेकल्चर एपीकल्चर इज रेयरिंग ऑफ बीज रेयरिंग ऑफ बीज इज़ एपीकल्चर रेयरिंग ऑफ सिल्कवा मेंज सेरिकल्चर रेयरिंग ऑफ फिश इज़ इजेसीकल्चर एंड एक्वा एक्वाकल्चर कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जब आप रेयर करते हो तो दैट इज एक्वाकल्चर ठीक है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की रेयरिंग दैट इज एक्वाकल्चर तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होता है अगर आपका कोई सजेशन या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब दिस चैनल शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम